है कविता जसवानी और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे मेरे साथ कि घुटनों के पेन से कैसे छुटकारा मिले। हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत लोगों को चाहे किसी भी उम्र के हों, 30+ हो, 40+ हो, 50+ हो, नीज में बहुत पेन रहता है। तो आज हम उसके लिए कुछ माइनर स्ट्रेचेस करेंगे जिससे नी के पेन में बहुत हद तक राहत मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले हमें सीधे पोस्चर में बैठना है। सबसे पहले हम करेंगे टोज मूवमेंट। टोज मूवमेंट में हम पैरों को नहीं हिलाएंगे, पंजों को नहीं हिलाएंगे, केवल टोज में मूवमेंट करेंगे। इसको हम 10 सेकंड तक करेंगे या 10 काउंट के साथ कर सकते हैं। लेट्स कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसके बाद हम करेंगे जो पंजे हैं हमारे उनको स्ट्रेच। पहले आगे की तरफ स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे, देन पीछे की तरफ स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे। इसको भी 10 काउंट के साथ करेंगे। दिस इज 2, 3। आप भी मेरे साथ साथ कर सकते हैं इसको। 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसके बाद हम करेंगे दोस्तों पैरों के जो पंजे हैं उनको रोटेट करेंगे। हम 10 काउंट के साथ करेंगे क्लॉकवाइज, 10 काउंट के साथ करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसमें हम पंजों को पूरी तरह से स्ट्रेच के साथ घुमाएंगे और ध्यान रखेंगे कि घुटने ऊपर ना उठें। 6, 7, 8, 9 and 10। 10 किए हमने क्लॉकवाइज, अब हम करेंगे 10 काउंट के साथ एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसके बाद हम दोस्तों करेंगे वाइपर वाला पोज, वो तो आप जानते ही हैं। पैरों को थोड़ा सा, जब भी आप कहीं से थक के आते हैं या बहुत आपके पैर थके हुए होते हैं तो आप सिंपली कुछ ना करें तो भी ये वाइपर की पोज को करने से पैरों को बहुत आराम मिलता है। चलिए इसके बाद हम करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में पैरों के पंजों को स्ट्रेच करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7 and 8, 9, 10। इसके बाद दोस्तों हम करने वाले हैं घुटनों के लिए थोड़ा सा माइनर स्ट्रेचिंग। स्टार्ट करते हैं 10 काउंट के साथ, 10 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए इसके बाद हम करने वाले हैं एक पैर को हम पहले आगे मोड़ देंगे, बैंड करेंगे घुटने से। उस पैर को हम टाइट पकड़ के और सबसे पहले पैर को अपनी तरफ खींच के होल्ड करेंगे। इसके बाद में दोस्तों इस पैर को पकड़ के हम यहाँ यहाँ पूरे स्ट्रेच के साथ 10 काउंट के साथ ये स्ट्रेचिंग कर देंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसके बाद हम एक चीज करेंगे, बच्चे की तरह हम अपने पैर को झुलाएंगे। जो ये जॉइंट है इस जॉइंट पे हम यह पंजा लगा देंगे और जो दूसरा जॉइंट है उसमें घुटने को टिका देंगे एंड देन अपने पैर को बच्चे की तरह झुलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसके बाद दोस्तों दूसरे पैर को उठाएंगे, उसको हम टाइट पकड़ेंगे, ऊपर उठा के होल्ड करेंगे और 10 काउंट के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसके बाद इसको भी हम
एक बच्चे को झुलाएंगे दूसरे को ना झुलाए तो उसे बुरा लगेगा, तो हम दूसरे पैर को भी बच्चे की तरह झुलाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इसके बाद दोस्तों हम एक इसमें और वेरिएशन करेंगे। इसमें हम पैर को उठा के दोनों हथेली के बीच में ऐसे फिट करेंगे और इस पैर को हम फेस सीधा रखेंगे, फेस को नहीं हिलाएंगे, सिर्फ पैर को स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3 काउंट। आप अगर 10 तक कर पाए तो 10 तक करें, नहीं तो एटलीस्ट 3 काउंट के साथ करें। 1, 2 and 3। इसके बाद दोस्तों हम करने वाले हैं एक आसन। इस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। इस आसन के अंदर हम जो है घुटनों पे इसमें काफी प्रेशर पड़ने वाला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए नीचे अपने पैरों के नीचे कैसे रखेंगे, अपने पैरों के अंगूठों को होल्ड करेंगे और पूरी बॉडी को नीचे लगाएंगे। घुटने पे हमारा नाक या सर रहेगा, इसको हम 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे और रेस्ट। इसके बाद हम इसको 3 बार दोहराएंगे, एक बार और करेंगे सेकेंड टाइम, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए नीचे 10 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोस्तों हमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो घुटने हैं वो जमीन से लगे रहें, वो ना उठें, वो हमें ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। एक बार और करेंगे, इनहेल एक्सहेल करते हुए नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके दोस्तों, तो ये हुए कुछ घुटनों के एक्सरसाइजेस। अब इसमें हो सकता है कि किसी का पेट ज्यादा निकला हो तो बहुत आगे ना झुक पाए, इतना ही झुक पाए या इतना झुक पाए। जहां तक भी आप झुक सकते हैं वहां तक झुक के और आप 10 काउंट के साथ उसको होल्ड करेंगे। तो इसके साथ आज हम घुटनों का पेन के लिए जो बताए हैं इनको आप कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको रिलीफ मिला या नहीं। एटलीस्ट इसको 10 दिन तक आप दोहराएंगे, 10 दिनों तक, देन आपको इसमें फायदा नजर आएगा। इसके बाद हम करेंगे चेयर पोज। चेयर पोज जो है वो यंग लोग